फाइनली हम लोग लाइव मूवी देख के आ चुके हैं। मोहतरमाएं बात कर रही हैं, ये कुछ अलग ही कर रही हैं। क्या कर रहे हो आप? हेलो विशाल, हम बहुत पहले से हो गए थे, मैं आने से पहले से। यहाँ पर इस तरीके की पागलपंती तो अक्सर, अरे 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 क्या हो गया, अरे जल गई, अरे हंस रहे एकदम से, इनको क्या हो गया अचानक। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। आज तो सुबह से ही गाइज मज़ा आ गया, मतलब क्या बताऊँ। मैं सुबह उठा और उठते ही मम्मी का फरमान आ गया कि चल मेरे को कंट्रोल लेके जा। मैं क्या ठीक है, चलो लेके चलता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो एक काम करो। सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मम्मी चलो एक काम करो, आज अपन चलते हैं कुछ खाने के लिए, ठीक है। माँ और बेटा सिर्फ जाएंगे कुछ नाश्ता करने के लिए, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों के साथ तो अक्सर हम लोग जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं क्या ठीक है मम्मी चलो आज अपन माँ और बेटा दोनों के दोनों जाते हैं और नाश्ता करके आते हैं कहीं आराम से। मम्मी को मैंने पूछा कि क्या खाओगे, मम्मी ने कहा कि डोसा खाएंगे। तो मैं क्या ठीक है चलो चलते हैं डोसा खाने के लिए। और डोसा खा के अभी हम लोग आ रहे हैं वहां पर। एक्चुअली मैं कैमरा लेके नहीं गया था, जिस वजह से मैंने फोन में रिकॉर्ड किया है। तो चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वो जो फोन में मैंने रिकॉर्ड किया है क्लिप, वो क्लिप अपन देख लेते हैं। ओके चलो देखिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं मसाला डोसा खाने के लिए और देखो मेरे साथ कौन है। आय हाय, मम्मी जी मेरे साथ हैं और मम्मी जी के साथ अभी अपन आए हैं। इनकी फरमाइश है कि इनको कटिंग डोसा चाहिए, जो कट करके आता ना वो। लेकिन मम्मी वो तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे। ओ मम्मी है ना, पहले बोले रहते तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अपन दोस्तों के साथ तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन मम्मी के साथ नाश्ता करने आने का अलग ही मजा है। मम्मी का मन था तो मैं क्या चलो ठीक है एक काम करते हैं आ जाते हैं। ओके कटिंग करवाना नहीं, मेरा तो चलेगा भैया, मेरा चलेगा, अपन तो ऐसी खा लेंगे बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी को चाहिए कटिंग वाला। वो देखो भैया अभी कटिंग वाला बनाने की फिराक में है। कैसा लग रहा है मम्मी बेटे के साथ? आप लोग को भी मैं बोलता हूँ यार, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, आप भी अपनी मॉम के साथ आइए, बाहर जाइए, ब्रंच कीजिए, डिनर कीजिए, तो फिर अलग ही मजा होता है मॉम के साथ डिनर एंड ब्रंच करने का। ये देखो भैया आ गए बना करके। चलो चलो चलो, आप खुश तो अभी अपन इसको फिनिश करते हैं, काम करो, इंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो देख लिया आप सभी लोगों ने कैसी लगी क्लिप, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल के व्लॉग में मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि हम लाइगर मूवी देखने के लिए जाएंगे, लेकिन 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 दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब युदेश भैया गए थिएटर में टिकट लेने के लिए, तब वहां पर जाके हमको पता चलता है 25 तारीख को लगने वाली थी लाइगर, लेकिन यहाँ पर हमारे शहर के अंदर नहीं लगी है, एक दिन दो दिन बाद लगेगी। तो अभी आज देखते हैं, अगर आज लगी होगी तो आज चले जाएंगे। पैन इंडिया मूवी है, बहुत सारे शहरों में लगी है, लेकिन हमारे शहर में अभी क्यों नहीं लगी, अभी देखना पड़ेगा। अगर लगी होगी तो जाएंगे, मेरा तो मन है। बाकी मैं रिव्यूज देख रहा हूँ, थोड़े से रिव्यूज अपोजिट में है मूवी के, लेकिन जब मैं देखूंगा तब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे दूसरे के रिव्यू दे देने से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैं खुद जब देखूंगा तब मेरे को अच्छा लगेगा। ये देख रहे हो, मतलब मैंने तो खाया डोसा, लेकिन इसके लिए भी लेके आया हूँ ये देखो, और फिर भी ये मेरे ऊपर एकदम घिनौने आरोप लगाएगी कि भाई कुछ नहीं करता, भाई ये नहीं करता, भाई वो नहीं करता। लेकिन ये कौन लाया, ये डोसा कौन लाया, देख रहे हो व्यूअर्स के मन में, व्यूअर्स के मुंह में पानी आ गया इस डोसा को देख के। फिर भी कल उस दिन तू भी कुरकुरे लाया था, घुसा दे पूरा घुसा दे। अरे मैं बता रहा हूँ, और ऑडियंस को क्लियर सुनाई देना चाहिए, इसलिए मैं पास लेके आता हूँ कैमरा। ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए मैडम, ठीक है चलो तो इसको खाने दो। कुरकुरे लाया था उस दिन वाला, याद है? देखो यार, कुरकुरे और डोसा में फर्क होता है, ठीक है। कुरकुरे 10 रुपए का आता है, डोसा महंगा आता है, तो मैंने डोसा ले लिया, कुरकुरे का भी हिसाब खत्म हो गया। और कुरकुरे जैसे छोटी छोटी चीज मैं तेरे लिए नहीं लाता हूँ, मैं हमेशा बड़ी चीज लाता हूँ तेरे लिए, समझ रही है? बाहर बैठ के नहीं खाने का, अंदर जाके खाने का। आचार विचार कहाँ गए, संस्कार कहाँ गए आपके? मिस छत्तीसगढ़ कहाँ गई, कहाँ गई वो मॉडल, कहाँ गई वो एक्ट्रेस जिसने धूम मचा दी थी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर? क्या यही कर रही है वो एक्ट्रेस, यही कर रही है वो एक्ट्रेस? नहीं, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और ये देखो डोसा वोसा खाए जा रही है, पूछना भी नहीं चलो। शर्म उसके फूटे करम। सो गाइज, अभी बच चुके हैं शाम के 4 और अभी तक मैं मूवी देख रहा था। मूवी देख के बाहर निकला तो मैं क्या, भाई ये क्या है, यहाँ पर तो बारिश हो रही है। अभी मैं कौन सी मूवी देख रहा था सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वो बता देता हूँ। तो Z5 पे एक नई मूवी आई है जिसका नाम है फोरेंसिक, जो कि अमेजिंग, आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, दिमाग एकदम खराब हो जाएगा अगर आप इस मूवी को देखते हो। खतरनाक मूवी है। अगर किसी ने देखा है और ये व्लॉग देख रहा है, कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि आपने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है। लेकिन अगर नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, जाके देखो गाइस, अमेजिंग। मेरे को कार्तिक
कार्तिक ने सजेस्ट किया था। कार्तिक से मेरी कल परसों ही बात हुई थी तो उसने मेरे को बोला भाई तू फॉरेंसिक देख, तेरे को सच में मजा आ जाएगा। ऐसी मूवीज जो रहती है जो दिमाग का एकदम खत्म कर देती है, ऐसी मूवीज मेरे को अच्छी लगती है। और हाँ, मसाला मूवीज भी कभी कभी, साउथ इंडिया की तो मसाला मूवीज अच्छी लगती है। ओहो हो भाई, देख रहे हो बारिश के मौसम में कितना हरा भरा वातावरण दिखता है। और अगर आपके घर में ऐसा गार्डन होना यार तो फिर मौजा ही मौजा। आए मेरा मन मौजा ही मौजा। और मम्मी यहाँ पर कपड़े सुखाने का काम कर रही है, देख रहे हो। वहाँ पर संतोषी दी बर्तन धोने का काम कर रही है, वो देखो मम्मी जी कपड़े सुखा रही है। यहाँ पर पट तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर मंदिर में पट खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के। हम यहाँ पर बैठ के आप सभी लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए तो यूके प्रोडक्शन के मालिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम अभी कहाँ जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। एक्चुअली दीपिका दीदी भी आने वाली थी लेकिन अभी उनका प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो हम दोनों जन जा रहे हैं और आप सभी लोगों को अब बताएंगे कि हमें कैसी लगती है ब्रांड न्यू मूवी ऑफ विजय देवरकोंडा एंड अनन्या पांडे, लाइगर। लाइगर, चलो अभी आप, मैं इसमें बैठ जाता हूँ और बाय 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 आते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिनेमा हॉल में और अभी थोड़ी ही देर में हम जाने वाले हैं अंदर लाइगर मूवी देखने के लिए। ये देखो अभी कितने बजे हैं, तो अभी 6 लगभग बज चुके हैं। वो जो सामने सिनेमा दिख रहा है ना, वहां पर अपन को अंदर जाना है। सो फाइनली हम हैं थिएटर के अंदर और ये देखो, ये हमने पॉपकॉर्न भी ले लिया है जो कि आप सभी लोगों को उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पर थिएटर में अंधेरा है। अभी थोड़ी देर में और भी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिल्म चलेगी। अभी तक फिल्म चालू नहीं हुई है इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। जैसी फिल्म चालू होगी ना, मैं शूट करना बंद हो जाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल हमने तोड़ा नहीं है। जब फिल्म चालू हो जाएगी तब हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, ठीक है। युधेश भैया चले गए हैं, ये कहां गायब हो गए यार? युधेश भैया अभी गायब हो गए हैं और गायब होके वो कहां ही जाएंगे, यहीं आसपास ही होंगे, कहां ही जाएंगे। तब तक हम ये पॉपकॉर्न खत्म करते हैं क्योंकि अगर वो आ गए ना तो वो पॉपकॉर्न खत्म कर जाएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तो इसको जल्दी अपन खत्म कर लेते। चलो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली हम लोग लाइगर मूवी देख के आ चुके हैं और मुझे लाइगर कैसी लगी है मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल गए। यहाँ पर है रागिनी दीदी। हाय रागिनी दी, वो उनको तो मैं नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पर गोविंद भैया है एंड काजल दीदी, हेलो हेलो। तो देख रहे हो सबके सब यहाँ पर मिल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा खाना पीना वगैरह कुछ करेंगे, नाश्ता पानी वगैरह करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसी लगी है। तो दिल की धड़कनों को थाम लो क्योंकि लाइगर का रिव्यू देने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है लाइगर का, अलग अलग रिव्यू मिला है आप सभी लोगों को, लेकिन अब आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। जेन्युइन रिव्यू, अच्छा है तो अच्छा, नहीं है तो नहीं। तो मैं कल कमेंट करूंगा और देखता हूँ रिव्यू क्या है। देख रहे हो ये पीछे पड़ गए मेरे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा, ठीक है, डोंट वरी गाइस। ये मोहतरमाएं बात कर रही है, ये कुछ अलग ही कर रही है यहाँ पर ये। ओहो क्या कर रहे हो आप? हेलो विशाल, हम ड्रेस देख रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्रेज होता है नवरात्रि का? बिल्कुल होता है। ऐसा ऐसा जरूर थोड़ा ना कि गुजरात में ही होता होगा। तो गुजरात में पब्लिक यहाँ पर क्रेज हो नवरात्रि नो बराबर। क्योंकि वो ना लायन एंड टाइगर दोनों का क्रॉस ब्रीड होता है इसलिए उसको लाइगर बोलते हैं। देखिए तो हमारी चाय आ चुकी है और ये देखो हमारे बिना खाना पीना हो गया, देख रहे हो, सारी चीजें खा ली गई है पहले से ही। ये गलत बात है, मतलब हमारे आने से पहले ये गोविंद भैया खाए होंगे, मेरे को पता है ना गोविंद भैया। ऐसा ओहो बिल्कुल हाथ नहीं है, किन दोनों का? मेरा नहीं है, देखो। अरे बाप रे, ऐसा लेकिन मुझे नहीं पूछा गया। मेरे को कहाँ पूछा गया, मेरे पहले खाया गया, बताओ, बुलाया भी नहीं गया। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की पागलपंती तो अक्सर। अरे 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 क्या हो गया, अरे जल गई। इनको क्या हो गया अचानक से? पानी ले लो, ले। अरे भैया ठंडा पानी दे दो इनको। जीभ जल गई, जीभ। कैसा लग रहा है अब आपको? शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल को करा रहा है अब? ओहो तो अपन को एकदम धीरे से पीना पड़ेगा, एकदम ध्यान से पीना पड़ेगा। पूरा जीभ का स्वाद चल देगा।
अरे बोलो ना, कैमरा आते ही बंद हो जाते हो, बोलना क्या बोलो लाइगर वाह देख रहे हो मतलब ये अरे ये क्या हो रहा है, ये पागल हो रही है फिर से, लड़की पागल ही होता रहती है। हाँ दीपिका की नजर लगी, अरे ये चाय ली थी, अब मैंने बोला ठंडी हो रही है इसको वापस दे मुझे। अब मेरी चाय पे नजर लगे इससे पहले मैं पी लेता हूँ अपनी चाय, वरना मेरी चाय पे हो जाएगी नजर। यहाँ पर हम लोग मस्तियाँ कर रहे हैं और वो मैडम देखो फोन पे लग गई है, ये तो गलत बात है। देख रहे हो यहाँ पर मस्तियाँ चल रही है, वो मैडम फोन पे बात कर रही है। क्या चाय पी लो। हाँ तो फिर चलो अभी अपन चाय पीते हैं एंड आप सभी लोगों को पीना है तो आ जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी विच इज कॉल्ड एज लाइगर। जी हाँ अभी हाल ही में आई है और अब मैं आप सभी लोगों को मोटा मोटा रिव्यू देना चाहूंगा, उतना ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आई एम नॉट अ रिव्यूअर। मूवी जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि अगर आप चाहते हो अपने फैमिली के साथ एंटरटेन होना या अपने फ्रेंड्स के साथ या खुद एंटरटेन होना तो आप लोग जा सकते हो थिएटर्स में और इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन लेके जाओ, क्योंकि हमारे नजर में साउथ की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। मूवी जो है वो थोड़ी सी बॉलीवुड मसाला टाइप है, तो अगर आप लोग साउथ की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकती है। बट इफ यू आर फाइंडिंग अ मास एंटरटेनर मूवी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मूवी दैट यू कैन वॉच। एंडिंग उतनी खास मुझे नहीं लगी, बाकी विजय सर की एक्टिंग तो अमेजिंग है यार, उनकी एक्टिंग पे तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। बाकी तो आप लोग देखिए, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा कि क्या हुआ स्टोरी के अंदर, बहुत सारे रिव्यूज हैं आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज लाइक करके जाओ, कॉमेंट करके जाओ, इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा। तो कल के अमेजिंग ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। और अगर लाइगर मूवी देखना चाहते हो तो प्लीज जाओ देखो, विजय सर की मूवी है, मेरे फेवरेट है।